स्टूडेंट्स वेलकम टू मॉड्यूल नाइन ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस इस मॉड्यूल में हम लोग जो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिक्स के फंक्शंस यूज़ होते हैं हमारे डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा मोर फ्रीक्वेंटली उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वो ख़ास तौर पे कौन कौन से मॉडल्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं और दे आर हैंड्स इन हैंड कहीं पे मैं मैथ भी यूज़ कर रहा हूँ कि स्टैट भी यूज ये ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्टैट यूज़ करनी है तो मैथ नहीं यूज़ करना मैथ यूज़ करना तो स्टैट नहीं यूज़ करना ये डिपेंड करेगा कि आपके पास डाटा किस किस्म का है आपने इसके ऊपर किस तरह के जो है रूल्स अप्लाई करने या कौन से मॉडल अप्लाई करने हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम आपने डिफाइन की है एनालिसिस करने से पहले या करते वक्त और एज पार्ट ऑफ़ योर डेटा स्ट्रेटजी और एज पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी वो हम उसको इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हमारे इसके ये मॉडल्स हैं या टेक्निक्स हैं है, वो हमारी इसमें यूज़ होंगी स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हमने बात की कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स इज़ अ कम्प्रीहेंसि कम्पलीट सब्जेक्ट विद अ डिफरेंट परस्पेक्टिव विद इन स्टैटिस्टिक्स आप डिफरेंट एरियाज है स्टैटिस्टिक्स कि जब आप उनको स्टडी करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है या एस्टीमेशन है या मॉडलिंग है फोरकास्टिंग है अनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ है and there are very advanced risk management techniques like Monte Carlo techniques और ये जो सारी की सारी techniques हैं ये basically statistical methods के अंदर ही cover होती हैं कि different stat के method जिनको आप use करेंगे to analyze your data और for your जैसे हमने बात की कि risk management के लिए अगर मैंने बात करनी है तो मैं भी Monte Carlo technique या distribution जो है that is one of the best methods in the world इसमें ईवन के जो आपके एनर्जी के प्लांट या साइट्स होती हैं वहाँ पे भी जो रिस्क अवेजन के लिए या रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं वेर एज़ के आप इनको अपना इंश्योरेंस में लोन मैनेजमेंट में भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स फिर उसके अंदर डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं उनका जो यूजेज है बेसिकली ये स्किल आप वक्त के साथ साथ डेवलप करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि अगर मैंने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना है तो मैंने कौन सा फार्मूला या कौन सा मॉडल लगाना है मैंने रिस्क को एस्टीमेट करना है तब मैंने कौन सा लगाना है अगर मैंने फर्ज करें फ्लड वार्निंग सिस्टम या मैं वेदर फोरकास्टिंग के सिस्टम पर काम कर रहा हूँ तो फिर आपने कौन कौन सी टेक्निक्स या मॉडल्स या मेथड जो हैं वो यूज़ करने दिस इज़ द एरिया वेयर यू हैव टू यू नो एक्सेल एंड अंडरस्टैंड और ये जैसे जैसे इन योर करियर आप लोग या इवन ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंट जो आप प्रैक्टिकल एक्चुअल यू नो वेन यू विल वर्क ऑन रियल लाइफ डेटा तो फिर आपको असल में जो है ना यू विल अंडरस्टैंड हमने एक पिछले मॉड्यूल में एक मॉडल डिस्कस किया था ये जो ट्रैवल टाइम एस्टिमेशन का दैट इज़ अ रियल टाइम एग्जांपल इसी तरह जो वेदर फोरकास्टिंग के मॉडल्स होते हैं इसी तरह जो आपके फ्लड वार्निंग के जो मॉडल्स हैं ये सारे बेसिकली डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स और उनके नीचे जो आपकी या उनके अंडर जो आपकी टेक्निक्स हैं स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैं ये सारी जो स्किल्स हैं जो कि एक डाटा साइंटिस्ट के पास होनी चाहिए और हमने इसमें जो स्टैटिस्टिकल uh, ये जो इंफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में और आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो डिफरेंट मॉडल्स हमने स्टडी किए हैं जो वो सारे के सारे बेसिकली दे आर यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू एड्रेस जो दूसरी एक जो अभी हमने जैसे हम बात करें तो कि स्टैट और मैथ दे वर्क हैंड इन हैंड ये दोनों जो मॉडल्स हैं दोनों की जो टेक्निक्स हैं उनको हम इन पैरेलल यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए और जो सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ें मैथमेटिक्स में से यूज़ होती हैं उनमें से एक है लीनियर अलजब्रा कि जो हमारी ट्रेंड लाइंस बनती हैं फर्ज करें मैं लीनियर एग्रेशन की बात करूँ या मैं आपकी इसकी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करूँ या मैं किसी और स्टेटिस्टिकल मॉडल की बात करूँ बेसिकली ये लीनियर लीनियरजबरा है इसके अंदर फिर जब हम डिफरेंट वो जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ वेयर ओवर डाटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दी होल पॉपुलेशन तो वहाँ पर भी जब मैं वो ट्रेंड देखता हूँ तो वो एक अपना उसमें जो इक्वेजन बनती है मेरे पास कि अगर मैंने उसमें से प्रॉबिलिटी निकालनी है मैंने उसमें से कोई और चीज़ जो है वो कंक्लूजन करनी है कोई हाइपोथिस उसके ऊपर अप्लाई करना है कि मेरा जो अजम्पशन ये विच इज़ जिसको हम अपना नल हाइपोथिस कहते हैं कि बेस्ड ऑन सम अजम्पशन और उसमें फिर पूरी जो पूरी वैल्यूज़ बनती हैं जो इक्वेजन्स बनती हैं हमारी वो सारा जिसमें एक्स वाई एन सिगमासगमा स्केयर और वो पी और म्यू ये सारे डिफरेंट पैरामीटर जिनको जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली ये सारे का सारा आपका बेसिकली जो वो कैलकुलस है और यहाँ आपका लीनियर अलजबरा या लीनियर जोमेट्री ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं जब आप अगेन मैं उसी की एग्जाम्पल दूँगा आपको वो जो हमने उसकी बात की थी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की या हमने बात की थी उसकी रूट प्लानिंग की कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है कौन सा बेस्ट रूट है किसी एक ख़ास टाइम रश आवर्स में क्या है और जो नॉर्मल आवर्स है उसमें क्या है हॉलीडेज़ में क्या है वीकेंड पे क्या है तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली इनके पीछे जो मॉडलिंग होती है इनके लिए जो एस्टिमेशन के लिए या फोरकास्टिंग के लिए वो सारी की सारी हमारी डिपेंड करती है यही जो आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल और हमारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लीनियर स्टैटस्टिक्स और कैलकुलस ये सारी चीज़ें ये जो डिफरेंट हमारी टेक्निक्स हैं बेसिकली इनको हम यूज़ करते हैं और फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐसे तरीके से कि जितना डाटा हमारे पास इनपुट है उसको हम प्रोसेस करते हैं और उसकी बेस पे हम कुछ रिजल्ट्स जो है अपने वो कंक्लूड uh, करते हैं या प्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ हाइपोथेसिस और या अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो के सैंपल जो हमने कलेक्ट किया होता है हम कहते हैं कि ये सैम्पल जो है ये मे बी बाइस्ड है क्योंकि हमारा ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये ठीक नहीं है या हमारी अजम्पन ठीक नहीं थी वो माइट हैव टू हैजम्प्शन तो ये बेसिकली था अबाउट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स कि प्रैक्टिकली एक डाटा साइंटिस्ट इन चीज़ों को अपनी रियल वर्ल्ड लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से इनको अप्लाई करता है थैंक यू